नमस्कार, जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल और आज का वीडियो है कन्या राशि के लिए अगस्त 2019 कैसा रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में। प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 6 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि कन्या है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके 6 नंबर के अंदर लिखा है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कन्या राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड्स। आप जहां भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का प्रेडिक्शन। पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो मिथुन राशि में है। 3 अगस्त तक आपकी राशि से दसवें स्थान के अंदर है। दसवें स्थान के अंदर बुध का फल बहुत शुभ है, महाधनवान योग कारक माने गए हैं। दसवें स्थान के अंदर बुध बिजनेस में कैरियर में जबरदस्त प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। 3 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बुध चलेंगे कर्क राशि के अंदर। राशि से 11वें स्थान के अंदर चलने वाले बुध भी आपके लिए बहुत शुभ माने जाएंगे। बिजनेस में कैरियर में लाभ करवाने वाले बनेंगे, मित्रों से लाभ करवाने वाले बनेंगे। और 26 अगस्त के बाद चलेंगे बुध 12वें स्थान के अंदर सिंह राशि में, जो आपके लिए मध्यम फलदायी बनेंगे, तो शुभ नहीं बनेंगे। मध्यम फलदायी क्या, शुभ नहीं बनेंगे, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर 8वें एवं 12वें स्थान के अंदर बुध का फल शुभ नहीं होता है। जब 8वें एवं 12वें स्थान के अंदर बुध चलते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है, ऐसा कहते हैं। तो जब 12वें स्थान के अंदर बुध चलेंगे 26 अगस्त के बाद लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। बुध का प्रेडिक्शन आपके लिए क्यों मायने रखता है, क्योंकि बुध आपके राशि के अधिपति ग्रह है, इसलिए आपके लिए बुध का प्रेडिक्शन बहुत मायने रखता है। तो 26 अगस्त के बाद बुध 12वें स्थान में चलेंगे तो जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन 26 अगस्त तक का जो पीरियड है बहुत शुभ माना जाएगा बिजनेस एवं कैरियर रिगार्डिंग डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि राशि के अधिपति 10वें एवं 11वें स्थान के अंदर चलेंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ है। जो कोई भी जातक बैंकिंग कॉमर्स कंसल्टेंसी रिगार्डिंग व्यवसाय से कनेक्टेड है इनके लिए तो समय 26 अगस्त तक का बहुत शुभ है। तो प्रिडिक्शन में अभी बात करते हैं ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले आपके आपके लिए बुध का प्रिडिक्शन क्यों किया, क्योंकि बुध आपके राशि के अधिपति ग्रह है, जिसके कारण आपका बुध का जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब प्रिडिक्शन में बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में, क्योंकि सूर्य के अलावा तो पृथ्वी के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व का सवाल ही नहीं होता है। तो सूर्य जो है इसके कारण ही हमारा जनजीवन का अस्तित्व है। सूर्य हमारे पितृ कारक ग्रह हैं, सूर्य के कारण ही पृथ्वी के ऊपर लाइफ है। तो सूर्य का प्रिडिक्शन ग्रह मंडल के राजा ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य आपके चल रहे हैं राशि से 11वें स्थान के अंदर। 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के अंदर चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है। राजयोग कारक है, सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लेकिन साथ साथ जो कोई भी जातक शेयर बाजार से कनेक्टेड हैं उनको थोड़ा सा चिंता टेंशन बढ़ सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य करने वाले जातकों के लिए टेंशन वाला समय रहेगा, क्योंकि पंचम संघ के अंदर जो सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ेगी ये संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन भी आपको करवाएंगे। 17 अगस्त के बाद का जो जो कोई भी जातक विद्यार्थी मित्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि 17 अगस्त तक सूर्य का जो संपूर्ण दृष्टि पंचम स्थान के अंदर है वो पढ़ाई में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकती है। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य चलेंगे राशि से 12वें स्थान के अंदर सिंह राशि में, तो यहाँ पर भी सूर्य का फल शुभ नहीं होगा। जो कोई भी जातक गवर्नमेंट में है, सरकार के रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट में कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, इनको भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी। रिलेशन में खास करके आपको पिता के साथ और
जॉब में अपर लेवल के साथ केयर करना होगा, क्योंकि सूर्य 12वें स्थान के अंदर आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करवाएंगे। आपको खुद का भी हेल्थ केयर करना होगा और हेल्थ में खास करके आपको आई साइट का अपने विशेष केयर करना होगा। 12वें स्थान के अंदर मंगल का भी भ्रमण शुरू हो जाता है 8 अगस्त से। तो 8 अगस्त के बाद जब 17 अगस्त को सूर्य 12वें स्थान के अंदर आ जाएंगे तो 12वें स्थान में अंगारक योग बनता है, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, दवाखाना का खर्चा आ सकता है। तो अपनी हेल्थ का केयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ का केयर करें, अपने फादर की हेल्थ का केयर करें, तो ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा। पुलिस कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई कार्य इन समय के दरमियान आता है 17 अगस्त के बाद, तो उसमें आपको लॉसेस आने की संभावना रहेगी। जमीन मकान कोर्ट कचहरी के कारण इत्यादि के कारण कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको लॉसेस आने की संभावना रहती है 17 अगस्त के बाद, जब सूर्य और मंगल चलेंगे राशि से 12वें स्थान के अंदर। तो सूर्य उपासना और मंगल के लिए क्या करें, कम से कम रोज 5 से 6 गाय को आप 600 ग्राम गुड़ खिलाएं। सूर्य मंगल अंगारक योग की शांति के लिए 17 अगस्त के बाद कम से कम 6 गाय को 600 ग्राम गुड़ खिलाएं। दिन में 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करें और अपने ईष्ट देव या देवी का महत्तम ध्यान मंत्र करें, अन्यथा आप गणेश जी का और हनुमान जी का भी उपासना कर सकते हैं। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु आपके पराक्रम स्थान के अंदर चल रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर, जो आपको नए साहस करवाने के लिए तत्पर करेंगे, लेकिन जल तत्व की राशि है, इतना भी जोश के अंदर कोई कार्य ना करें अन्यथा लॉसेस आने की संभावना रहेगी। तो गुरु आपके पराक्रम स्थान के अंदर हैं, जो नए साहस करने के लिए जोम प्रदान करेंगे, लेकिन साहस करना इतना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आप छोटी पनौती के अंडर में चल रहे हैं। शनि महाराज की लोखंड के पाए पर पनौती चल रही है 2.5 साल की, जो आपके जनवरी 2020 में ख़त्म होती है। तो जिसके इम्पैक्ट के अंदर लोखंड के पाए पर जो आपकी पनौती चल रही है, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको खास करके बिजनेस में करियर में जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट, खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपका बहुत स्लो चलना बिजनेस का आपको देखने को मिलेगा। साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेंगे। रिलेशन में खास करके मामा या मौसी के साथ भी आपको टेंशन आ सकती है और फादर के साथ टेंशन आ सकती है, और हर कार्य में आप विलंब महसूस करेंगे, क्योंकि शनि चौथे स्थान के अंदर जो है वो आपके जन्म के चंद्र के ऊपर दृष्टि करते हैं केंद्र में जब शनि चौथे स्थान के अंदर होते हैं तो आपके हर कार्य में भी विलंब होता है। तो शुक्र ग्रह की ट्रांजिट क्या कहती है, लव मैटर के कारक ग्रह शुक्र ग्रह। तो शुक्र जो है वो 11वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। 16 अगस्त तक आपके लिए शुक्र का ट्रांजिट बहुत शुभ है। आपको कोई नए फ्रेंड मिल सकते हैं और मित्रों से लाभ रहेगा, लव मैटर में सक्सेस रहेगा। और 16 अगस्त को सूर्य राशि शुक्र राशि परिवर्तन करके चलेंगे 12वें स्थान के अंदर सिंह राशि में, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। तो शुक्र ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है, लव मैटर के अंदर सक्सेस है इस मंथ के अंदर। शनि आपके करियर को स्लो कर रहे हैं, राहु भी 10वें स्थान के अंदर हैं, जो धीमी गति से करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो कोई भी जातक एजुकेशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, एजुकेशन एंड कोचिंग, कोई भी फील्ड के अंदर आपका काम है कोचिंग का या एजुकेशन का, तो आपके लिए समय शुभ है, क्योंकि राहु 10वें स्थान के अंदर जो चल रहे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। अब चौथे स्थान के अंदर जो शनि लोखंड के पाए पर चल रहे हैं, साथ में केतु भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि और केतु दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इसकी शांति के लिए क्या करें, इसकी शांति के लिए आप मैक्सिमम महत्तम बंदरों को खिला सकते हैं। शनि और केतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसकी शांति के लिए आप बंदरों को खिला सकते हैं। बंदरों को खिलाना पॉसिबल नहीं है तो आप खाने का तेल गरीब लोगों में दान कर सकते हैं। गरीब लोगों में दान करना भी पॉसिबल ना हो तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर भी आप, चैरिटेबल ट्रस्ट जहां पर अंधपंग लोग रहते हैं, ओल्ड एज होम होता है, वहां पर भी आप दे सकते हैं। तो तेल का मैक्सिमम दान करें, तेल के दान से शनि ग्रह की शांति होती है, राहु की भी शांति होती है, केतु की भी शांति होती है,
और 17 अगस्त के बाद मैक्सिमम गायों को गुड़ खिलाएं, सूर्य मंगल बारहवें स्थान के अंदर जब चलेंगे, और 26 अगस्त के बाद का जो पीरियड है जिसके अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि बुध चलेंगे आपकी राशि से बारहवें स्थान के अंदर, तो उसमें कहता है कि बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल सकती है। खास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 2, 3 और 4, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में, तो राशि से बारहवें स्थान के चंद्र में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 10, 11 और 12, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे धनु राशि में, शनि और केतु के साथ चलेंगे, जिसके कारण अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करवा देंगे रिलेशन में। उस दिन खास करके आपको माता पिता, जॉब में अपर लेवल और विवाहित जातकों को इन लॉस के साथ ज़्यादा केयर करना होगा। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 20, 21 और 22, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में, तो मेष के चंद्र भी राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं, आठवें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पानी से भी बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा, फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करना होगा। जो डेट रहेगा 20, 21, 22 अगस्त मेष के चंद्र। यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र है मेष राशि वाले, तो यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले, तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल प्लस इत्यादि माध्यम से ज़्यादा वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आप कोई नया प्रेडिक्शन भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।